ये नवग्रह आश्रम है, बिलवाड़ा जिले के रायला कस्बे के पास मोतीबोर खेड़ा में स्थित है। इस आश्रम पर सैकड़ों प्रकार की औषधियाँ विद्यमान हैं, जिनका संरक्षण और संवर्धन करते हैं हंसराज चौधरी। इन्हीं औषधियों के द्वारा हंसराज चौधरी कैंसर जैसी लाइलाज कही जाने वाली बीमारी का इलाज भी करते हैं। हंसराज चौधरी ने करीब 3 साल पहले ही इस नवग्रह आश्रम की शुरुआत की। वर्तमान में हजारों बीमार लोग यहाँ आकर इलाज करवा रहे हैं। वहीं हंसराज चौधरी वानस्पतिक चिकित्सा पद्धति से बीमारों का उपचार कर रहे हैं। यहाँ सिंदूर और नौनी जैसे पौधे भी विद्यमान हैं, जिनका उपयोग श्री हंसराज चौधरी बीमारों के इलाज में कर रहे हैं। और इसका जो उत्पाद है वो सिंदूर है, और ये इतना जब हाइट पा जाएगा 7-8 फीट तक, और फिर इसके फूल आएंगे, फूल से जो फल बनेगा उस फल का जो बीज है वो एक्चुअली कैंसर के लिए, जो गले का जो कैंसर होता है उसके लिए, प्लस जो ऐसे कुछ घाव होते हैं जो फंगल डिजीज होती है, फंगस जिनमें होती है वो जो ठीक नहीं होते, उसमें इनके पत्तों को बांट के भी लगाया जाता है। और गले का जो कैंसर है उसमें सीधा सीधा, क्योंकि बाजार में जो सिंदूर मिलता है वो तो रेड ऑक्साइड है, और ये जो है वो बिल्कुल खाद्य यानी कि बायो जो है वो इससे कामला बनेगा। और पूरे राजस्थान में 30-35 पौधे टोटली हैं। क्या ये पौधा है नोनी, ये एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर, एंटी स्कैबिस और एंटी फंगल। अब इसके बाद में कौन सी बीमारी बचती है, ये जब करीब करीब 4-5 फीट की ऊंचाई पर आएगा तो इसके फल लगेंगे और जूस जैसा फल होता है, काफ़ी जूस होता है उसमें, काफ़ी पानी की मात्रा होती है और बहुत। और वैसे क्योंकि ये मेरे यहाँ जो ये वानस्पतिक चिकित्सा की है पद्धति जो है, तो उसमें इसके पत्ते भी, हालांकि ये तो एक ही पौधा और बहुत छोटा है, परंतु बाद में मैं कैंसर रोगियों को इसके पत्ते का जूस भी दूँ। और इसका नाम है नोनी, और इसका अमेरिका वालों ने पेटेंट करवा रखा है, श्रीलंका गरीब देश है उसके थ्रू। अब भारत में ये पौधे बहुत कम है, हालांकि पौधे पे किसी प्रकार का कोई पेटेंट नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है, पर इसका जो नोनी जूस के नाम से उनका है, 50 ml के 2500 रुपये लेते हैं और 28 दिन बाद सप्लाई करते हैं।